ढाबा कड़ाही। ढाबा कड़ाही सबसे पहला काम करेंगे, कड़ाई ले ली और एक किलो चिकन के साथ हम बना रहे हैं। चिकन कड़ाई कट का जो साइज़ है वो 16 पीस का होता है, बल्कि 18 पीस भी हो जाते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने छोटे पीस को काटें, ज़रूरी नहीं बड़े साइज़ के भी आप काट सकते हैं। तेल सबसे पहले कढ़ाई में ले लेंगे और हमेशा जब भी कढ़ाई बनाते हैं, आपको शायद मेरे काम के दौरान पता लगा होगा कि मैं कढ़ाई में सबसे पहले चिकन फ्राई करता हूँ। चिकन फ्राई करके हम निकाल लेते हैं, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है, हम एक कप डाल दें, बाकी आधा कप हम इसमें से निकाल लेंगे। सबसे पहला काम चिकन की फ्राइंग है, 15 मिनट तक हम चिकन को पकाएंगे, तकरीबन पक जाएगा और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, चिकन कड़क रहता है। कि एक यहाँ पे पैन ले लेंगे, इसमें मैं डाल दूँगा पानी और टमाटर को इसमें बॉईल कर लेंगे, यानी बॉइलिंग पानी में टमाटर डालेंगे और ताकि इसका छिलका उतर जाए। पानी यहाँ पे हमने डाल दिया और सिंपली टमाटर को इसमें डाल देंगे 8 से 9 अदद, साथ में प्याज की ग्रेवी भी है। यहाँ पे तेल गर्म हो गया और हमने इसमें 1 किलो चिकन बोटी कट, ओ ये एक डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई है, यानी ग्रेवी इसमें ज़्यादा होगी। ये चिकन हो गया फ्राई, निकाल लेते हैं और ये लीजिए, ये 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज हमने स्लाइस की भी शामिल कर दी। अब इसको करते हैं फ्राई। ये टमाटर हमने इसका छिलका उतार दिया था, ये छिलका उतर गया, अब ये आसानी से पकेंगे भी। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, अब इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसमें, ये आ गया लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच और मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज में जैसे हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्च और हल्दी, बस ये इसके मसाले जाते हैं। ये देखिए प्याज अब तकरीबन फ्राई हो चुका, अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये टमाटर, साथ में 2 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, साथ में 1 चाय का चम्मच हल्दी और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया। और अमूमन होता क्या है, मैं धीमी आंच पर रखूंगा, लेकिन समटाइम्स ये धीमी आंच पर भी जलना शुरू हो जाता है, हल्का सा लगना शुरू हो जाता है। इसका सबसे आसान हल ये कि इसमें कोई 1 कप पानी शामिल करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि ये टमाटर में जो नमी है वो भी हमें मिल जाएगी, लेकिन ये जलने से बच जाए। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, मैं इसको धीमी आँच में पकने छोड़ रहा हूँ और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसमें टमाटर देखिए इस तरह तोड़ता जाऊँगा, बस धीमी आँच, और उस वक्त तक थोड़ा सा पकाना है जब तक ये टमाटर इसमें, अभी दिखा दूँ मैं, ये देखिए अभी बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से और टूटने चाहिए, कटने चाहिए, तब के जाके हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मिक्स करते जाना है बस, और इसके बाद ये आ गया इसमें 1 किलो चिकन बोटी, इसको मिक्स किया। अब इसकी आँच में थोड़ी सी तेज़ कर दूँगा और ये ग्रेवी जो है अच्छी तरीके से, ताकि इसमें इसका जायका आ जाए और चिकन के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। बस आखिर में हमने सिर्फ इसमें बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें शामिल करनी है, बाद में फ़िलहाल हमने इसको कवर कर देना है और इसकी आँच में थोड़ी सी तेज़ कर दूँगा, ज़्यादा नहीं, हरी मिर्चें इसमें इसी स्टेज पर शामिल कर दी, साथ में बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें हमने शामिल की आप भी वही चीज़ें शामिल करें। चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद, इसको कर दिया कवर। ये लीजिए हमारी आगे कढ़ाई सिजलिंग प्लेट पे, टेस्ट अमेजिंग, सिजलर पे इसका जायका भी बड़ा चेंज हो जाता है। ढाबा कड़ाही अज्जा, चिकन कड़ाही कट 1 अदद, टमाटर 8 अदद, प्याज 2 अदद, बड़ी लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप।